महामाधरी शरण बाबा। शेरवेद महाराज जी, हम सब साधकों की तरफ से एक प्रश्न है कि कोई भी ब्रह्मचर्य नाश की क्रिया ना करने पर भी कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है जी। फिर हम बहुत चिंतित होते हैं, ये क्यों होता है, इससे बचने का उपाय क्या है, स्वप्न दोष होने पर भी क्या हम ब्रह्मचारी हैं, इस विषय में हम जानना चाहते हैं कि हम क्या करें जिससे स्वप्न दोष ना हो जी। हमने जो परमहंस स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, उन्हीं से बाल्यावस्था में जब घर से निकले थे तो कुछ समय बाद ये प्रश्न किया था। नजबगढ़ स्थान गंगा किनारे है, श्री ओंकारानंद सरस्वती जी उनका नाम था, वो अंतर ध्यान हो चुके, तो उनसे प्रश्न किया था कि महाराज जी, कोई भी शारीरिक काम चेष्टा ना होने पर भी उपासक के शरीर से जो वीर्यपात होता है, क्या उसका ब्रह्मचर्य क्षीण माना जाएगा? यदि क्षीण माना जाएगा तो वो क्यों निकलता है जब उसकी कोई क्रिया नहीं, उसे कैसे रोका जा सकता है? तो जो उन्होंने बताया था उस समय साधारण शब्दों में, वीर दो तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है, जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग के कारण वीर का नाश कर रहे हैं। तो कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही, वो नहीं समझ पाता, क्योंकि जीवनी शक्ति भगवान अपनी तरफ से देते हैं, वो बिल्कुल ना खाए और हस्तमैथुन करे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब उसे वो लक्षण जो हस्तमैथुन करने से नाश, ऐसे उस प्रसंग में बताया गया, वो लक्षण उसके जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। अब यदि वो किसी संघ के प्रभाव से हस्तमैथुन बंद कर देता है तो उसका वीरपात होगा। अगर वो 3 दिन में वीरपात करता रहा है तो 3 दिन में वीरपात होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है। दो तरह का ये वीरपात माना जाता है। एक, जैसे आप ठीक दिनचर्या से चल रहे हैं, आपका खान पान संयम सब ठीक। पहली बात तो ये है कि जिसने कभी हस्तमैथुन आदि के द्वारा वीरपात किया ही नहीं, उसका असली वीर कभी वीरपात होगा ही नहीं, बात पक्की समझ लेना। ये जीवन के अनुभव की बात करें, इसमें मतलब क्यों मैं लगाने की जरूरत नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया है। तो एक होता है, परमहंस जी ने बताया कि एक होता है कि आप सो रहे हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं, मतलब बिल्कुल कोई काम का संकल्प नहीं, कोई क्रीड़ा नहीं, और आप जगे, आपको ऐसा लगा कि वीरपात हो गया, वो दोष नहीं है। जैसे जब हम गुड़ बनाते हैं तो उसमें गंदा फेन निकलता है ऊपर, पतोई कहते हैं गांव में, जैसे अरहर की दाल जब उबाली जाती थी गांव में तो ऊपर उसका फेन निकलता है, ऐसे ही ये शरीर का विकार निकला, ना कि ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाला वीर। बहुत ध्यान पूर्वक सुनने लायक, उपासक को उसमें परेशान नहीं होना, आपको बिल्कुल पता नहीं चला, कोई चेष्टा नहीं हुई, किसी भी तरह की हरकत नहीं हुई और आप जगे हो, आपको लगा कि वो हमारे वस्त्र गंदे हो गए, तो वो आप ब्रह्मचारी ही हैं, आपके ब्रह्मचार्य का नाश नहीं हुआ, वो जीवनी शक्ति नहीं निकली। और आप हस्तमैथुन या अन्य क्रियाओं द्वारा वीरपात करते रहे और आज आपने रोक दिया कि आज से नहीं करूंगा, तो बंद नहीं हो जाएगा, वो चलेगा। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है, तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से क्या गंभीर हो जाएगी। आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। ये हम सब
महापुरुषों के अनुभव और मिले हुए लोगों से, सैकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी स्थितियों को बताते हैं। तो जो संत महापुरुषों ने जीवन में अनुभव किया है उसके आधार पर पहले साधक को चाहिए कि ये देख ले कि हमारे द्वारा कोई हस्त मैथुन आदि क्रियाएं जो निंदनीय क्रियाएं वो तो नहीं हो रही। एक हमारे अंदर मान्यता बैठ गई है कि वीर चरण में ही आनंद है, ये साधक को छोड़ना होगा। क्या तुम्हारा जीवन का आनंद केवल इतना ही है? एक भागवतिक विधान है, जब आपका ब्याह हो तो संतानोत्पत्ति के लिए वो मार्ग, तब तक आप ब्रह्मचारी रहे। क्या इतने इंद्रियों के गुलाम हो गए? क्या इतना ही केवल आपने सुख समझ लिया? तो फिर आप देखना कि आगे आपको ये मन किस दशा में पहुंचा देता है। तो जो नव युवक जन है, साधक जन है, वीरपात में यदि उनका कोई स्मरण नहीं रहा और वीरपात हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं। और यदि स्वप्न में आपने स्त्री आदि का संयोग देखा या कोई ऐसी घर्षण आदि क्रिया हुई या कोई ऐसी कामोत्तेजना जनित और फिर आपका वीरपात होता है तो आपके गंदे विचार और पूर्वाभ्यास के कारण होता है। ये बहुत ही गंदी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करती जाएगी। ये जो शुक्रपात, वीरपात, वीर स्खलन, स्वप्न दोष जिसे कहा जाता है, ये दैहिकी वीरपात और व्याधिकी वीरपात। दैहिकी वीरपात जो स्वाभाविक हो जाता है उसमें बिल्कुल आपकी हानि नहीं, कोई दोष नहीं। और जो ये व्याधिकी वीरपात है ये बहुत हानिकारक है, ये आपके जीवनी शक्ति को नष्ट कर देने वाला है, इसलिए इससे सावधान रहे। सबसे पहली बात, ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो हस्त मैथुन करते हैं, जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो गंदी तरीके से वीर का नाश करते हैं। वीर संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्त मैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदग्रहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीरपात होना ठीक ना हो जाए। आप वो हानिकारक जो कामोत्तेजना बढ़ाने वाले भोजन है उनको छोड़िए, जैसे अत्यधिक नमक, बहुत कड़वी लाल मिर्च, और जैसे बहुत ही वो मीट मसाला आदि जो बहुत ही कड़वा तीखा ऐसा गर्म मसाला, और बिल्कुल गर्मा गर्म भोजन, ये आपके स्वप्न दोष के ठीक होने की बात है। यदि आप स्वप्न दोष से बचना चाहते हैं तो अत्यधिक नमक, बहुत कड़वी मिर्च, बहुत ही वो उष्ण गर्मा गर्म भोजन, बहुत गर्म मसाले से बना हुआ भोजन, और अत्यंत खट्टी चटनी जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है, और मांस, ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं, ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती, संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य छीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांस पेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति, बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए, आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। ये जो मछली अंडा मांस खाते हैं ये कभी इस रोग से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जो लोग कहते हैं मैं तो खाता हूं मेरे अंदर नहीं, विश्वास मत मानना, पक्का झूठा है वो। जो शराब पीता है वो अपने वीर को पवित्र नहीं रख पाएगा, चाहे गृहस्थ हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसी भी तरह की स्थिति में हो, सावधान हो जाओ, ये शराब आपके जीवन को नष्ट कर देगी। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। आप देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती, आगे देख लेना, खुद आप देख लेना। जो अधिक खट्टे पदार्थ, अधिक तले पदार्थ,
लहसुन प्याज के बने हुए पदार्थ और बासी खट्टा दही, बासी भोजन, तिक्त पदार्थ, भुने हुए सूखे पदार्थ और ये जो खट्टे फल हैं इनको खाया जाएगा तो स्वप्न दोष नहीं ठीक होगा, क्योंकि ये सब वीर शक्ति का क्षरण कराने वाले, पतला कर देने वाले हैं। आप जैसे बहुत गर्मा गर्म पाइए, बहुत तीखा पाइए तो आपके अंदर कामोत्तेजना पैदा होगी, आप जान नहीं पाएंगे, चिंतन बनेगा और वीर स्खलित होने का संयोग बन जाएगा। आप सात्विक भोजन करें, जैसे दूध है, गेहूं की रोटी है, थोड़ा सा गाय का घी है, थोड़ा मक्खन है, सोट है, मूंग की दाल है, उबली हुई आलू है, केला है, ताज़ा दही है और थोड़े ताजे ये बादाम आदि भी अगर आपको ज़रूरत लगे तो, और सुंदर चावल, घी, चीनी, ये जो मतलब सात्विक आहार है और बहुत स्वादिष्ट बनता है। ऐसा कोई ना समझे कि प्याज लहसुन और मसाला मसूला ना पड़े तो अच्छा नहीं लगता, आप कैसी बात कर, बिल्कुल स्वादिष्ट के आप चाटते चले जाओ, ऐसे 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 स्वादिष्ट, थोड़ा अंगूर, मीठे संतरा, सेब, अनार, ये स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसे वस्तु जो आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करें ये पहले भोजन छोड़े, ध्यान दीजिए, आप पहले ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ें जो हस्तमैथुन कराने के लिए उत्साहित करे या जो गंदे आचरण में, चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान, ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है, कामोत्तेजना दोनों को आती है, गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठते हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते हैं। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। दूसरी बात, इसमें सहयोग है 4 बजे उठना। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है, यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है, यदि उस समय आप सो रहे हैं तो वो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं, तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं रखी, तो आपको उदास नहीं होना। ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो और 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 1-2 लीटर पिए। ऐसा ना करें कि आप 1 गिलास में छोटा कस की पीजिए, अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है, आप पी के तो देखिए, वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए 30 मिनट कम से कम, दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं, और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए, और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान ना कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी, चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो आप चाय की जरूरत क्या है, ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। तो सुबह 4 बजे उठ करके ऐसी दिनचर्या, प्राणायाम व्यायाम जरूर करें, जरूर, जितना भजन आवश्यक है उतना यह भी आवश्यक है, तो उसके ब्रह्मचर्य को संभलने में 6 महीने लगेंगे। अब यह सावधानी रखें कि जैसे आजकल बहुत बड़ा खतरनाक चल गया है स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट, उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषय आकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते ना देखे, भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते, कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखे, और हम मनुष्यों का भोग देखे उसमें, और हम सोचे कि हमारा ब्रह्म, आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे, सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। इसलिए साधक बहुत शीघ्र
ऐसे मोबाइल को त्याग दे, अगर ना त्याग पावे वो कामोत्तेजक चित्र देखने से, तो उस मोबाइल का साधारण 2000 वाला ले लो। अगर फोन का काम 2-4 महीने तो ऐसा करके देखो, फिर आपका मन संयम में हो जाए तो आप भले रख लेना, लेकिन अगर आप वो देखते रहे गंदे चलचित्र जो क्रियाएं भोग की कर रहे, तो आपको ब्रह्मा भी नहीं संभाल सकते कि आप ब्रह्मचर्य वीर शक्ति को रोक सके चरण होने से। और ये बहुत बड़ी गलती हो रही नए बच्चों में कि वो इसको ऐसा करते हैं, मतलब वो एकांत देश में बैठकर। और कभी भी हम इस बात को चर्चा में भी ना लावें, ये स्त्री संबंधी पुरुष संबंधी भोग संबंधी वार्ता हमारे अंदर संस्कार डालती है और हम समझ नहीं पाते, वो हमारे अंदर ऐसी अग्नि पैदा करती है जिससे वीर शक्ति स्खलित हो जाती है। कभी हम सोच में बैठे लघु शंका में तो सबसे पहले वीर स्खलित हो गया। अब आपको लगेगा कि ये रोग है, रोग नहीं आपकी गलती है, आपने जो गलत चिंतन किया क्रिया नहीं की, लेकिन मनोवाह नाड़ी ने संपूर्ण शरीर से वीर को खींच करके वो निकाल दिया। अब निकल जाएगा वो आपके असावधानी के समय, इसलिए आप सावधान रहे। कभी भी कोई ऐसे ग्रंथ को ना पढ़ें जिसमें कामोत्तेजक भाव लिखे हो, जैसे उपन्यास आदि कुछ ऐसा जो कुछ हो, वो ऐसे जो ब्रह्मचर्य के नष्ट करने वाली चेष्टाएं जिनमें वर्णन की गई है, और ऐसे डॉक्टरों से ना मिले, वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है, अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट हैं, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्तमैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या, मिला उस साइंस वाले को कि इसको संभाल, 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, साइंस की बुद्धि और महात्माओं की बुद्धि में अंतर है। महात्मा तुम्हें आध्यात्म शक्ति मानते हैं, आप साइंस के अनुसार चलोगे तो विनाशकारी बुद्धि बढ़ सकती है, लेकिन अध्यात्म बुद्धि नहीं, कल्याण करने वाली बुद्धि नहीं, मंगल विधान वाली बुद्धि नहीं बढ़ सकती, इसलिए सावधान रहिए। ये आपके जो ब्रह्मचर्य संबंधी है, इसको इस तरह से ना टाला जाए कि अरे भाई आप महात्मा ऐसे कहते हो, कुछ महात्मा भी ऐसे, हमें कुछ को नहीं देखना, मुझे सिर्फ अपने को देखना है। शास्त्रीय सिद्धांत महात्माओं के अनुभव के द्वारा आप अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। हम आहार पर दृष्टि रखें, जैसे हम रात्रि के समय शयन करते हैं तो सावधानी रखें कि शयन के 1 घंटा पहले ही दूध ले लें गर्म। अगर हम गरम दूध लेके सोएंगे तो निश्चित वीर्यपात हो जाएगा। जब हम जान लें कि हमें कब्ज हो रहा है तो हम सरल औषधि लें, ऐसे कोई चूर्ण न लें जो बहुत कड़े गरम हो, जो हमें ब्रह्मचर्यहीन कर दे, जैसे आंवला है तो और वो हर है, बहेड़ा है, त्रिफला का प्रयोग करें। वैसे प्रत्येक साधक को भोजन में 1 आंवले का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो कब्ज भी दूर रहेगी और शीतलता भी रहेगी, और आंवला पवित्र भजन में भी सहयोगी होता है और भी स्वादिष्ट भी होता है। आप मीठा आंवला ले सकते हैं, आप खट्टा करके ले, वो आंवला खटाई में भी नहीं आता, खटाई भी है, वो आपके साधन में भी आएगा, कब्ज ना रहने पावे। अगर हमारे शरीर में पेट में कब्ज है तो कब्ज में आंतों में जो जमा हुआ मल है वो ऐसी उत्तेजना पैदा करेगा कि आपका वीर स्खलित हो जाएगा, इसलिए कब्ज भी ना होने पावे। साधक अगर इन नियमों का पालन करे, और भगवत स्मरण प्रधान है ब्रह्मचर्य में, सबसे प्रधान औषधि है स्मरण। आपकी जो स्मृति कामुक हो गई है उसको बदलिए, अगर आपका चिंतन नहीं बदला तो आप चाहे जितनी औषधियां खा ले आप ब्रह्मचर्य को संभाल नहीं सकते। औषधि एक सपोर्ट है, यदि आप ब्रह्मचर्य को ठीक करना चाहते हैं किसी आयुर्वेदिक वैद्य से कुछ दिन के लिए औषधि ले ली, बकाया रोज औषधि नहीं लीजिए। आप रोज ऐसा करें, प्रातः काल उठ करके 1 तुलसी की पत्ती ले, जैसे आप नहा धो चुके, 1 तुलसी दल लिया, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया, और रात्रि के समय शाम टाइम 1 नीम की पत्ती ले, 1 पत्ती, और कुछ दिन उसे पाइए, अगर आपको पच जाए तो फिर 1-1 बढ़ा दीजिए, 10-10 पत्ती तक जाइए, किसी और औषधि की जरूरत नहीं, हर रोग का निवारण तुलसी की पत्ती और नीम की पत्ती सुबह शाम करने से हो जाए। आप देख लीजिए, ये ज्यादा औषधियों को ना खाए, नहीं तो जब औषधि छोड़ोगे तब कमजोर हो जाओगे। अगर आप बहुत हालत खराब है तो आयुर्वेदिक कुछ ऐसी औषधियां कई महात्माओं ने निकाली है जो आपकी वीर को पुष्ट करती है, उनको सहयोग के लिए ले ले, और बकाया चिंतन बदले, कुसंग का त्याग करे, भोजन सात्विक रखे, और नींद भर ही सोए,
ज्यादा नहीं कि प्रमाद स्थिति में पड़े रहोगे तो फिर भी ब्रह्मचर्य हानि की संभावना है। नींद भर सोए, प्रातःकालीन वेला पर जग जाए, प्राणायाम व्यायाम करे तो निश्चित इस पर विजय प्राप्त। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ, ऐसा ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, दसियों वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। आप कभी घबराए नहीं साधक, सावधानी पूर्वक ये जो जो बातें बताई गई अपने जीवन में उतारे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ ले। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।